हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी पनीर फिंगर्स। और ये खाने में इतने क्रिस्पी होते हैं कि ठंडा होने के बाद भी इसका जो क्रिस्प है वो जाता नहीं है। और ये बनाने में बिल्कुल सुपर इजी है, बहुत जल्दी से बहुत फटाफट से बन जाते हैं। तो चलिए, ये सुपर इजी रेसिपी क्या है इसे आगे के वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है 200 ग्राम फ्रेश पनीर। और अब मैं इन्हें बिल्कुल इक्वल पीसेज में कट करूँगी। यहाँ पे इक्वल पीसेज में कट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। पनीर इक्वल पीसेस में कट हो चुका है और इसे कोट करने के लिए चलिए अब बैटर रेडी करते हैं। अब बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप मैदा ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे बेसन या आटा भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 क्रश्ड ब्लैक पेपर। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एज पर टेस्ट, और 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं एक मीडियम कंसिस्टेंसी का स्मूथ थिक बैटर रेडी करूंगी। ध्यान रहे बैटर बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी करना है। अब मैंने यहाँ पे 1/2 कप कॉर्नफ्लेक्स ले लिए हैं और इसे मैं रफली क्रश करूंगी। आप चाहे तो हाथ से या फिर किसी कटोरी की हेल्प से इसे रफली क्रश कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स। आप चाहे तो खाली कॉर्नफ्लेक्स से इसकी कोटिंग कर सकते हैं, बट ब्रेड क्रम्स ऐड करने से इसकी जो कोटिंग होगी वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगी, बिल्कुल स्मूथ क्रंची कोटिंग होगी। अब सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और फाइनली मैं पनीर के जो पीसेस हैं उसे ब्रेड बैटर में ऐड कर रही हूँ। इसे मैं बहुत हल्के हाथ से मिक्स करूँगी, वरना पनीर के जो पीस हैं वो टूट भी सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद मैं एक एक पीस पनीर का कॉर्नफ्लेक्स के मिक्सचर में डालूंगी और इसके ऊपर हम कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग करेंगे। कॉर्नफ्लेक्स को इसके ऊपर डालते हुए धीमे धीमे उंगली से उसको प्रेस करिए और थोड़ी थोड़ी शेप दीजिए। ध्यान रहे गीले हाथ आप बार बार बीच बीच में पोंछते रहिए, वरना कॉर्नफ्लेक्स का जो मिक्सचर है वो गीला हो जाएगा और प्रॉपर अच्छे से कोट नहीं होगा। सभी पनीर के पीसेस को मैं इसी तरीके से कोट कर लूंगी और कम से कम आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करूंगी। रेफ्रिजरेट करना यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी ये अच्छे से फ्राई होंगे। ऊपर की जो कोटिंग है वो अच्छे से रेफ्रिजरेट होने के बाद इसमें सेट हो जाएगी। अब आधे घंटे बाद देखिए ये बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं और अब चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। अब ये मैंने कढ़ाई में फ्राई करने के लिए ऑयल गरम होने रख दिया है। जब ये बिल्कुल अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें पनीर फिंगर्स को ऐड करूंगी मैं। पनीर फिंगर्स को ऐड करने के बाद गैस की जो फ्लेम है मैं उसे मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करूंगी, तब तक जब तक ये गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। ये पनीर फिंगर्स अब गोल्डन कलर के हो चुके हैं, चलिए अब इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। देखिए पनीर फिंगर्स की आवाज़ इतनी क्रिस्पी आ रही है और आप इस आवाज़ से ही समझ सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने होंगे। ठंडे होने के बाद भी इसका जो क्रिस्प है वो मेंटेन रहेगा। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।